नमस्ते, मैं हूं सारा अली खान और आप देख रहे हैं जनसत्ता। गाइस, साइलेंस एंड रियल साइलेंस दिस टाइम। आई नो कीकी की लाइक स्कूल गर्ल्स, कैसे बोलूं मैं, बिंदास नहीं है, बातूनी नहीं है, कम शब्द बोलती है, ज़्यादा सोचती है, ठहराव है उसमें। जहाँ भी मैं होती हूँ, नमस्ते दर्शकों, ये देखिए तो चलता ही रहता है, तो दर्शकों को तो पता चल जाता है। जब आपको लगे कि आप अपने सबसे कमज़ोर मोड़ पर हो, तब उठ के भागना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ उठना ही नहीं, फुल स्पीड भागना, ना कि बैक फुट पे खेलना। सारा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये मूवी को आपने सुना क्यों, मतलब क्या रीज़न था गैस टाइप की मूवी चुनने का? ऑनेस्टली आई थिंक गैस टाइट ने मुझे चुना, क्योंकि ये जो थ्रिलर जॉनर है, इसमें स्पेशली टू कम अक्रॉस अ स्क्रिप्ट दैट्स एज इंगेजिंग एज दिस वर्ज, बहुत बार ऐसा होता नहीं है। जब मैं ये फिल्म पढ़ रही थी, स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो हर पन्ने को जब पलट रही थी, इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी उत्सुकता थी कि आई जस्ट थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ जॉनर लाइक दिस दैट आई हैव नेवर डन बिफोर। मूवीज़ के एडॉप्टेशन में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी रहता है, और ऐसी मूवी ओरिजिनल के कितनी सिमिलर या डिफरेंट है? हम मतलब आई डोंट थिंक चित्रा मैम ऑल्सो, आई डोंट नो अबाउट विक्रांत, बट वी हैवन सीन दी ओरिजिनल एंड वी वर टोल्ड ऑल्सो नॉट टू सी दी ओरिजिनल, ताकि हम जो किरदार बनाएं उस पर कोई एक्सटर्नल प्रभाव ना पड़े। ये पवन सर की विजन है और हम सब लोगों ने साथ मिलकर इसे बनाया है। I don't think there's any similarity in terms of our performance to the original at all. I haven't seen it. Thriller suspense movies mein location ki importance hoti hai, kis tarah ki movie ko filmaya gaya hai, aur matlab ki aapka character ka kya graph hai? Of course location bahut important hoti hai, aur ye jo ek sunsan mahal hai, almost dilapidated sa, uski feeling हम सब तक आ रही थी। मैं तो लोकेशन पर ही रह रही थी, तो पूरी तरह उस दुनिया में काइंड ऑफ घुल मिल गई थी। और रही बात मेरे किरदार की, तो आई थिंक दैट मुझसे परे वो बहुत, मतलब कैसे बोलूँ मैं, बिंदास नहीं है, बातूनी नहीं है, कम शब्द बोलती है, ज़्यादा सोचती है, ठहराव है उसमें, लेकिन वो एक जो दृढ़ता होती है, एक जो अश्योरेंस के और डिटर्मिनेशन होती है उसमें बहुत है, और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से और अपने उद्देश्य से यहाँ वहाँ नहीं होती, और वो मुझे लगता है बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ है इस किरदार के बारे में। सारा जी, इस मूवी को शूट कहाँ पर हुआ है और कितना एक्सप्लोर किया है आपने इस जगह को? राजकोट में, वांकानेर में, होटल से तकरीबन 40-50 मिनट, लेकिन मैं तो वहीं थी, मैं होटल में भी नहीं रुक रही थी, तो मैंने उसी जगह को एक्सप्लोर किया, और वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि डरावना था रात को अकेले यहाँ वहाँ जाना, लेकिन बहुत अच्छा था। सरद जी, आप ट्रैवल करती हैं और आपके सारे फैंस को मतलब पता ही नहीं चलता कि आप कब यहाँ मुंबई में रहती हैं, कब ट्रैवल करती हैं, तो मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे उस, आप किस समय कहाँ रहती हैं वो पता ही नहीं चलता, तो आप हाल ही में कहाँ थी कुछ बताएंगे आप? मुझे नहीं लगता ये बात सच है, क्योंकि जहाँ भी मैं होती हूँ, नमस्ते दर्शकों, ये देखिए तो चलता ही रहता है, तो दर्शकों को तो पता चल जाता है। अभी आप मुझे शायद फॉलो नहीं करते हैं, वो बात मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ और काम नहीं होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बॉम्बे के बाहर रहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ। ट्रैवलिंग में आपको इंटरेस्ट कैसे है और किस तरह आप एज अ पर्सन डेवलप करती हैं, या एक्टिंग में आपको ये कैसे हेल्प करता है? एक्टिंग में हेल्प का पता नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर लगता है दैट इन ऑर्डर टू गेट इन टू एनी एक्सपीरियंस यू हैव टू लेट गो, और ट्रैवलिंग पे वो मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ, रिलैक्स, अनवाइंड, अनथिंक, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, इस सब में। जैसे मुझे पता भी नहीं है कि कोलंबिया से मेरी एजुकेशन का क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं कुछ भी हो, चाहे ट्रैवलिंग हो या मेरी एजुकेशन हो, मैं फ़ायदे के लिए नहीं करती, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और फिर फ़ायदे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। अनुभव से ज़्यादा अहम चीज़ हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, और एक एक्टर के भी हिसाब से आई थिंक, एंड दैट्स व्हाई मुझे ट्रैवलिंग में बहुत सुकून मिलता है। थिएटर्स की रिलीज को आप कितना मिस करती हैं? बहुत। और आप पहले मूवीज़ की हैं जो जो मतलब कि अपने आप के बिग स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो क्या है? जी ज़रूर, मैं बड़े पर्दों के लिए ही फिल्में करती थी, लेकिन अतरंगी रे की रिलीज़ के बाद, स्पेशली जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे ही रिलीज़ हुई है, और गैसलाइट भी वहाँ होने जा रही है, मैं ये सीख चुकी हूँ और ये समझ चुकी हूँ कि अगर आपका काम सच्चा हो और आपकी कहानी अच्छी हो,
तो जनता के दिल दिमाग को छू जाएगी. तो वाइल आई मिस द थिएटर्स, आई डोंट थिंक दैट द मीडियम इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द कॉन्टेंट. तो उम्मीद यही है कि मैं बड़े पर्दे पर जल्द आऊँ, लेकिन तब तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लोग मुझे गैस लाइट में देखें और मीशा के किरदार को अपनाएं और पसंद करें. ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं आपके करियर को, एक्टिव करियर को, बिगेस्ट लर्निंग क्या रही है आपके लिए? योर लोज विल डिफाइन यू. जब आपको लगे कि आप अपने सबसे कमज़ोर मोड़ पर हो, तब उठ के भागना बहुत ज़रूरी होता है. सिर्फ उठना ही नहीं, फुल स्पीड भागना, ना कि बैक फुट पे खेलना. हर साल आप न्यू एक्टर डेब्यू कर रही हैं, क्या आपको कितना कॉम्पिटिटिव महसूस कर रही हैं और अपने कॉन्टेम्पोरीज के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे लगता है कि हमारी प्रोफेशन में सबसे सुंदर बात यह है दैट एवरीबडी इज़ देयर ओन पर्सन. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द न्यू टैलेंट दैट्स कमिंग, एंड आई थिंक देयर स्पेस फॉर एवरीबडी, यंग, न्यू, ओल्ड, कंटेम्प्रेरी, वॉट एवर, सबके लिए जगह है. ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो, फल सबको मिलेंगे. ऐसा लग रहा है कि आपकी मूवीज करने की चॉइसेस बदल रही है, आप हिस्टोरिक कैरेक्टर भी कर रही हैं, तो कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? मुझे, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हमारा कर्तव्य है हर तरह की फिल्में करना. लेकिन जी हाँ, कहीं ना कहीं शायद आप ये बोल रहे हैं कि अतरंगी रे के बाद मैं भूखी हो गई हूँ. आफ्टर डूइंग अ फिल्म लाइक दैट मैं समझने लगी हूँ कि ये पॉसिबल है और ये मैं करना चाहती हूँ. तो अब इस चाहत में मैं ऐसी फिल्में ढूंढ रही हूँ जहाँ मेरा किरदार हो, जहाँ मेरा कुछ योगदान हो और मैं ज़्यादा सीख सकूँ, ज़्यादा अपने बारे में जान सकूँ, और वही अभी कोशिश तो वही है. आप कैसे एडवाइस लेती हैं अपने करियर के लिए? कभी आप कुछ मतलब मूवीज आप करना चाहती हैं? मम्मी या फादर दोनों से एडवाइस लेती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली दोनों भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें ये करना चाहिए तो मत करो. एज एन एक्टर कल्टीवेटिंग योर ओन गट एंड योर ओन इंस्टिंक्ट इज आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपके ब्रदर इब्राहिम भी मूवी डेब्यू कर रहे हैं, तो आप कैसे उन्हें सपोर्ट और गाइड करती हैं? उन्हें यही बताऊंगी कि काम में मज़े करना बहुत ज़रूरी है, कैमरा से झूठ मत बोलो और बस अपने डायरेक्टर पर भरोसा करो और बस काम करते रहो. आपके ग्रैंड मदर शर्मिला टैगोर जी की फिल्म गुलमोहर भी रिलीज हुई है, तो क्या आप देखने को आपको देखने का अवसर मिला? जी, मैंने उनके साथ ही फिल्म देखी और बहुत अच्छा लगा मेरी दादी को इतने अरसों बाद काम करते हुए देखकर. इस मूवी के बाद और किन मूवीज में आप ऑडियंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या आप आशिकी 3 में होंगी? वो तो आशिकी 3 के मेकर्स पर है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है. बट मैं मर्डर मुबारक कर रही हूँ, मेट्रो इन दिनों कर रही हूँ, ए वतन मेरे वतन, और लक्ष्मण सर द्वारा बनाई गई मैडॉक की एक फिल्म विकी कौशल के साथ. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? कि प्लीज़ गैस लाइट देखिए और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी. हमने प्यार और मेहनत से फिल्म बनाई है और आई होप यू गाइज लाइक इट.